हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीके। जैसा कि आप सबको पता है, सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर एसयूवी में कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है। वैसे ही पेश है रेनो की तरफ से रेनो काइगर, ये भी एक सब कॉम्पैक्ट 4 मीटर एसयूवी है। इस सेगमेंट में और भी गाड़ियाँ आती हैं, जैसे विटारा ब्रेज़ा, अर्बन क्रूज़र, सोनेट, वेन्यू, मैगनाइट, नेक्सॉन, XUV300, फोर्ड इको स्पोर्ट्स। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये काइगर का ओवरऑल लुक है। काइगर में 6 मोनोटोन और 6 डुअल टोन कलर ऑप्शन है। इसके सभी वेरिएंट में आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके कलर ऑप्शन है रेडियंट रेड, कैस्पियन ब्लू, आइस कूल वाइट, मूनलाइट ग्रे, प्लैनेट ग्रे, महोगनी ब्राउन। चलिए सेफ्टी की बात करते हैं, तो काइगर में 4 एयरबैग्स के ऑप्शन है, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट विद सीट बेल्ट वार्निंग, ABS विद EVD, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक। ये है काइगर का फ्रंट लुक। DRS विद साइड इंडिकेटर्स और प्योर विजन्स के LED हेडलैम्प्स, रेनो का बड़ा सा लोगो और ग्रिल। चलिए डायमेंशंस की बात करते हैं। लेंथ है 391 mm, विड्थ है 1750 mm, हाइट है 1600 mm, व्हील बेस है 2500 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है 205 mm। व्हील बेस से पता चलता है कि गाड़ी में अंदर स्पेस कितना है। चलिए बोनट खोल के देखते हैं गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशंस। ये है, नहीं ये नहीं है, ये हेडलैम्प लेवलर है। इसके नीचे है हुक बोनट खोलने के लिए। इंजन की बात करते हैं तो गाड़ी में 2 तरह के इंजन आते हैं, एक नेचुरल एस्पिरेटेड और टर्बो इंजन। दोनों 1 लीटर इंजन है, 3 सिलेंडर। इसमें सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन है जो कि पेट्रोल है, डीजल ऑप्शन नहीं है। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की बात करें तो 71 BHP की पावर निकालता है 96 Nm के टॉर्क में, और टर्बो चार्ज इंजन 99 BHP की पावर निकालता है 160 Nm टॉर्क में। माइलेज कंपनी क्लेम करती है 20 KMPL। ड्राइविंग रेंज इसकी फुल टैंक में, जो कि 60 लीटर का इसका टैंक कैपेसिटी है, 800 किलोमीटर्स है। फ्रंट व्हील ड्राइव ऑप्शन में है, ट्रांसमिशन 5 गियर है। और एक और बात, नेचुरल इंजन में AMT का ऑप्शन है और टर्बो इंजन में CVT का ऑप्शन है। चलिए अब रियर में चलते हैं, जाके देखते हैं पीछे गाड़ी का लुक। वाइपर विथ वॉशर, यह है गाड़ी का बूट, 405 लीटर कैपेसिटी का है। ये देखिए गाड़ी का बूट थोड़ा ऊपर है, आपको सामान निकालने उतारने में थोड़ा थोड़ा टफ जाएगा। ये है स्पेयर व्हील जो कि 15 इंचेस का है, गाड़ी में बाकी 16 इंचेस के व्हील आते हैं सारे वेरिएंट्स में। ये है 15 इंच का, ये देखिए 60:40। रियर सीट्स को फोल्ड करने का भी ऑप्शन है। चलिए बूट को बंद करके आपको मैं व्हील्स के स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। और इसके एलॉयज बहुत ही प्यारे एलॉयज हैं। व्हील स्पेसिफिकेशन की बात करें तो R95/60 R16 के व्हील्स हैं। और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैकफ्रेन स्टड और रियर में टॉर्शन बीम एक्सल सस्पेंशन है। ये है व्हील क्लैडिंग्स और RXZ का बैजिंग। चलिए इंटीरियर में चल के देखते हैं गाड़ी का जो भी स्पेसिफिकेशंस है, फीचर्स हैं, लुक्स है। चलिए ये हम अब हम अंदर आ चुके हैं। ये है स्टेयरिंग का लुक, क्रूज कंट्रोल नहीं आता है, इंफोटेनमेंट कंट्रोल और MID कंट्रोल है। ये है गियर, सब में 5 गियर ऑप्शन है, टर्बो भी नॉन टर्बो में भी। ये आर्मरेस्ट स्टोरेज, थोड़ा मुझे आर्मरेस्ट स्टोरेज का जो ये चैनल वाला ऑप्शन है, मुझे थोड़ा नेक्सॉन की याद दिलाता है, नेक्सॉन में भी ऐसा ही है। ये गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील विद रेनो लोगो, MID कंट्रोल्स विद इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स, AC वेंट्स विद RVM कंट्रोल्स, इंटरनली एडजस्टेबल है और फोल्डेबल भी। विथ पावर विंडोज, ऑल 4 पावर विंडोज है, टॉप मॉडल है। ऑटोमेटिक AC एयर वेंट्स के साथ। और ये है MID, इसका MID के साथ साथ आपको यहाँ पर
ड्राइविंग मोड्स में मिलते हैं जो कि इको नॉर्मल स्पोर्ट्स मोड है, ये अभी नॉर्मल मोड है, और MID आपका एनिमेशन भी करके दिखाएगी। ये देखिए इको मोड में ग्रीन, स्पोर्ट्स मोड में रेड और नॉर्मल मोड में ब्लू हो जाएगा पूरा MID। ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। इसमें दो शेल्फ है विथ USB कंट्रोल एंड इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। कार रिमोट, बहुत ही स्लिम रिमोट है इसका विथ रेनो लोगो, बहुत ही स्लिम है, मतलब इजी टू हैंडल और अपने पॉकेट में रखना भी इजी है। सन वाइजर्स विथ वैनिटी मिरर, ड्राइवर ओ को पैसेंजर साइड में भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा। माइक, ये अपना IRVM जो कि मैनुअल एडजस्टेबल है, टेनेट IRVM, और केबिन लैंप, फ्रंट और रियर दोनों में केबिन लैंप है। ये अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। ये देखिए अभी ब्लूटूथ में कनेक्शन नहीं है तो बाकी आप देख सकते हैं। ये इसमें एक एम्बेड लाइटिंग टाइप का है, वाइट एम्बेड लाइटिंग है। ये देखिए जो फ्रंट डोर में और सामने फ्रंट में इंफोटेनमेंट सिस्टम सब चलता है। ये इसका हैंड ब्रेक जो कि थोड़ा मुझे अलग टाइप का लगा बाकी गाड़ियों के मुकाबले। चलिए बाहर चलते हैं और पीछे की सीट में बैठ के देखते हैं, पीछे की सीट का कंफर्ट देखते हैं। मैंने सामने की सीट अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है। ये देखिए ये थोड़ा ओल्ड टाइप है, ओल्ड स्कूल टाइप लगा मुझे। और ये है नी रूम, सफिशिएंट जगह है, हेडरूम में भी सफिशिएंट जगह है। और ये इसके रियर AC वेंट्स, साथ ही में ये रियर आर्मरेस्ट विद टू कप होल्डर्स, और इसमें ये फ़ोन रखने के लिए भी ऑप्शन है। अच्छी कुशनिंग की गई है सीट्स में। स्पीकर की बात करें तो फोर डोर में स्पीकर्स है, आकेमीस के स्पीकर हैं विद फोर ट्विटर्स विद वाटर होल्डर। और ये डोर आर्मरेस्ट में भी पैडिंग की गई है, लेदर पैडिंग। पार्सल ट्रे, रियर केबिन लैंप्स जो कि हेलोजन है। और सबसे मेन बात मुझे अच्छा लगा ये एल्ट्रोस जैसा हम बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मिडल पैसेंजर कोई दिक्कत नहीं हो, तीन जन आराम से बैठ सकते, तीन पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं, कोई भी हम्प नहीं है, आराम से तीन पैसेंजर लॉन्ग ड्राइव में जा सकते हैं, बिल्कुल हम्प नहीं है, बिल्कुल मिनिमम से है। और ये रियर सॉकेट और चार्जिंग पोर्ट, ट्विटर स्पीकर, और ये डोर आर्मरेस्ट लेदर की पैडिंग की है। ये ग्रैब रेल, कोट हुक नहीं है इसमें। चलिए को पैसेंजर सीट में चल के देखते हैं आगे क्या है। ये हम को पैसेंजर सीट में आ गए हैं। दो ग्लव बॉक्स दिए गए हैं गाड़ी में, एक अपर ग्लव बॉक्स, ये इसकी स्पेस है, और लोअर कूल ग्लव बॉक्स है। अब अगर प्राइस की बात करें गाड़ी की तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर प्राइस आ चुका है एक शोरूम। ये दो शेल्फ दिए गए हैं और ये ऑडियो सिस्टम। अगर आपको टाइगर का वॉक अराउंड पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको इसका रिव्यू देखना है तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।